आज राजमहल में राजकुमार अजीत को तो फुर्सत ही नहीं थी, और फुर्सत होती भी कैसे। आज उनके परम मित्र राजकुमार चंद्र जो आने वाले थे, राज्य में तो उनकी दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब महल के मुख्य द्वार पर राजकुमार अजीत बेसब्री से उनके मित्र की राह देख रहे थे, तभी उन्हें दूर से कोई आदमी दिखा महल की तरफ आते हुए। उन्हें लगा कि कोई उनके राज्य की जनता में से है, जिसे शायद आर्थिक मदद चाहिए होगी। अरे सुनो, वो आदमी को मुख्य रास्ते से हटाकर पूछो कि उसे क्या चाहिए, और अगर पैसे की मदद चाहिए तो उसे दे देना, मगर उसे इस रास्ते से निकालो। राजकुमार चंद्र कभी भी आते होंगे, उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि उनके रास्ते में कोई ऐसे ही चल रहा है। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और उस व्यक्ति को वहां से हटने के लिए बोला। अरे सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि जनता के लिए आज दरबार बंद है। राजकुमार अजीत ने कहा है कि अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि वो राजा चंद्र है और उसे राजकुमार अजीत से मिलना है। तुम राजा चंद्र कैसे हो सकते हो? तुम नहीं हो सकते। क्या हमारे राजकुमार अजीत की दोस्ती तुम्हारे जैसे फकीर के साथ होगी? जाओ 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 यहाँ से, आए बड़े खुद को राजा चंद्र कहने वाले। राजकुमार चंद्र को ये सुनकर बेहद दुख हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि राजकुमार अजीत के सिपाही ने उनका अपमान किया है। हमारा ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, हम तो राजकुमार अजीत से सहायता मांगने आए थे हमारी राज्य की एक समस्या के लिए। इस अपमान का परिणाम राजकुमार अजीत के साथ साथ उनके दोनों भाइयों को भी भुगतना होगा। ऐसा सिपाही से कहकर राजकुमार चंद्र अपने राज्य क्रोधित होकर लौट गए, और राजकुमार अजीत अपने मित्र की राह देखते ही रह गए। लेकिन उनके मित्र आए नहीं, ये देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। राजकुमार चंद्र अपने राज्य लौट जाने के बाद भी गुस्से की आग में जलते रहे, और एक दिन उन्होंने सोचा कि जैसे राजकुमार अजीत ने एक सिपाही के जरिए उनका अपमान किया, वैसे ही अब वो एक सिपाही के जरिए उनसे बदला लेंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को राजकुमार अजीत के राज्य भेजा और कहा, सिपाही कुछ ऐसा करो कि वो तीनों भाई आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं, तब होगा हमारा बदला पूरा। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और राजकुमार अजीत के राज्य आ गया और तीनों भाइयों पे दृष्टि रखने लगा, और अपनी चतुरता का उपयोग करते हुए राजमहल में सिपाही की नौकरी भी पा ली। एक दिन राजकुमार अरुण को अकेला पाकर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, राजकुमार जल्दी चलिए, महल के ऊपर के हिस्से में आग लग गई है। राजकुमार बिना कोई वक्त गंवाए गए और अपनी पानी की शक्ति से उन्होंने आग को बुझाया। अच्छा हुआ तुमने सही समय पे हमें सूचित किया, वरना ये आग बढ़ जाती, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये आग लगी तो लगी कैसे। तब राजकुमार चंद्र के सिपाही ने कहा, अब क्या बताएं राजकुमार, लेकिन आपसे छुपाना भी तो ठीक नहीं है ना, असल में राजकुमार अजीत ने ये आग लगाई है। सिपाही, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो कि तुम किसका नाम ले रहे हो? जी हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, ये राजकुमार अजीत ने ही किया है। असल में राजकुमार अजीत को मैंने पूछा कि राजकुमार आप कितने शक्तिशाली हैं, क्या आप राजकुमार अरुण से भी अधिक शक्तिशाली हैं? तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे भाइयों से भी अधिक शक्तिशाली, और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ आग लगा दी। राजकुमार अरुण सिपाही की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उनका जी चाहा कि इस सिपाही को दंड दे, लेकिन दूसरी ओर राजकुमार अरुण ये सोच रहे थे कि अभी अभी जो सिपाही ने कहा, अगर उसमें तनिक भी सच्चाई हुई तो।
करीब दो दिन बाद राज्य में आग लगने के कारण चार लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये आग लगना कोई हादसा नहीं था, असल में सिपाही ने आग लगाई थी ताकि वो ये अफवाह पूरे राज्य में फैला सके कि राजकुमार अजीत की लापरवाही के कारण चार लोगों की मृत्यु हो गई। उसने इसी अफवाह की सहायता लेते हुए राजकुमार अरुण और राजकुमार अजीत के कान भरने चाहे और उसने राजकुमारों को यकीन दिला दिया कि ये जो हुआ उसके पूरे जिम्मेदार राजकुमार अजीत ही हैं। राजकुमार अरुण और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, फिर भी उन्होंने राजकुमार अजीत से बात करने की सोची। वो जैसे ही राजकुमार अजीत के कक्ष में गए, उन्होंने जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था। राजकुमार अजीत अपनी आसपास की चीजों को अपनी शक्ति से जला रहे थे और ये करते समय उनके चेहरे पे एक शैतान जैसी हंसी थी। उनकी आंखें लाल थी, जैसे उनके शरीर पे किसी शैतान का वास था। आखिर ये राजकुमार अजीत को क्या हो गया था कि वो ऐसा कर रहे थे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी स्टोरी बॉक्स, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते रहिए हिंदी स्टोरी बॉक्स। पिछले भाग में आपने देखा राजकुमार अजीत को तो फुर्सत ही नहीं थी। आज उनके परम मित्र राजकुमार चंद्र जो आने वाले थे के मित्र की राह देख रहे थे, तभी उन्हें दूर से कोई आदमी दिखा। तुम्हें पता नहीं है कि जनता के लिए आज दरबार बंद है? गुस्से की आग में जलते रहे सिपाही, कुछ ऐसा करो कि वो तीनों भाई आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं। आखिर ये राजकुमार अजीत को क्या हो गया था कि वो ऐसा कर रहे थे? अब आगे। राजकुमार अरुण ने अपने भाई को पुकारा। भैया भैया, ये क्या हो गया है आपको? ये आप क्या कर रहे हो? राजकुमार अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजकुमार अर्जुन ने राजकुमार अरुण से कहा, भैया मुझे अजीत भैया को देखकर बहुत घबराहट हो रही है, भैया कुछ कीजिए, मैं अजीत भैया को ऐसे नहीं देख सकता। राजकुमार अरुण ने छोटे भाई की ऐसी हालत को देखकर उसे संभाला और उसे कहा कि तुम चिंता मत करो भैया, मैं बात करता हूँ। वो राजकुमार अर्जुन को पीछे करके खुद सामने आए और राजकुमार अजीत को पुकारने लगे। भैया मुझे पता है कि कोई तो बात है, वरना आप ऐसा कभी नहीं करते, मुझे बताइए क्या हुआ है? राजकुमार अरुण की ये बात सुनकर राजकुमार अजीत ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और दूसरे ही पल में वो बेहोश हो गए। राजकुमार अरुण और अर्जुन ने उन्हें उठाया और उन्हें वैद्य जी के पास ले गए। वहीं दूसरी ओर राजकुमार चंद्र का सिपाही ये सब देखकर खुश हो रहा था और वो हंसते हंसते राजकुमार चंद्र के दरबार जाता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। राजकुमार चंद्र की जय हो, आपके इस सेवक ने अपना काम कर दिया, कार्य पूरा हुआ और हमें तो लगता है कि राजकुमार अजीत की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजकुमार चंद्र बेहद खुश होते हैं और कहते हैं, शाबाश मेरे सेवक, तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने अपना कार्य पूरा किया और तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। तभी पीछे से राजकुमार अरुण और अर्जुन राजकुमार चंद्र के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार चंद्र, इतनी भी जल्दी क्या है अपनी जीत का जश्न मनाने की, तुम अभी तक जीते नहीं हो। राजकुमार अरुण सबसे पहले सिपाही को अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गिरा देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने जो राजकुमार अजीत पर जादू किया है उसे तुरंत नहीं रोका तो वो उसके प्राण ले लेंगे।
राजकुमार के गुस्से को देखकर सिपाही डर जाता है और राजकुमार अजीत को उसके जादू से मुक्त कर देता है। मुझे माफ कीजिए, मैं तो बस राजकुमार चंद्र के आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपको मेरे और राजकुमार चंद्र के साजिश के बारे में पता कैसे चला। ये सुनकर राजकुमार अरुण कहते हैं, शक तो हमें पहले ही था तुम पे, लेकिन यकीन में तब बदला जब राजकुमार अजीत के कक्ष में जब हम वापस आए तो तुम्हें हंसते हुए देखा, तभी हम समझ गए कि तुमने ही कोई गड़बड़ की है। और इसलिए उन्होंने सिपाही का पीछा किया और राजकुमार चंद्र और सिपाही की सच्चाई उनके सामने आ गई। तो क्या हुआ अगर तुम्हें हमारी सच्चाई पता चल गई? हम किसी से डरते हैं क्या? और वैसे भी तुम्हारा भाई इसी लायक है, मुझे अपना सबसे प्रिय मित्र कहता था वो, लेकिन उसने मेरा अपमान किया, मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। राजकुमार अरुण और अर्जुन को राजकुमार चंद्र की बात सुनकर बेहद गुस्सा आया कि पूरी सच्चाई जाने बिना राजकुमार चंद्र ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी उनके सबसे प्रिय मित्र के साथ। राजकुमार अरुण राजकुमार चंद्र को सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन तभी राजकुमार चंद्र ने उन पर हमला कर दिया। मजबूरन उन्हें राजकुमार चंद्र के हमले का जवाब देना ही पड़ा, लेकिन तब भी राजकुमार चंद्र हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर अपनी तलवार से राजकुमार अरुण को घायल करना चाहा। तब दोनों राजकुमारों ने मिलकर राजकुमार चंद्र पर हमला कर दिया ताकि उसे काबू कर सकें और उन्हें असली सच्चाई बता सकें, लेकिन राजकुमार चंद्र कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए राजकुमार अर्जुन ने राजकुमार चंद्र को हवा में लटका दिया। नीचे उतारो मुझे, तुम क्या तुम्हारे भाई का साथ दे रहे हो? जैसे आज उसने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया, वैसे ही एक दिन वो तुम्हारा भी अपमान करेगा, तुम्हें भी धोखा देगा, याद रखना। तभी राजकुमार अरुण राजकुमार चंद्र को कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, असल में राजकुमार अजीत ने आपका अपमान कभी किया ही नहीं। और उन्होंने एक जादूगर को बुलाया और उस जादूगर को कहा कि राजकुमार अजीत और उस सिपाही के बीच तब क्या बात हुई थी वो राजकुमार चंद्र को बताओ और इन्हें सच्चाई दिखाओ। जादूगर ने ठीक वैसा ही किया और राजकुमार चंद्र को पूरी बात दिखाई। ये देखकर राजकुमार चंद्र को बहुत बुरा लगा कि कैसे इतनी छोटी सी बात की वजह से उन्होंने अपने मित्र को इतना गलत समझा और वो अपने अहंकार में इतने चूर हो गए कि वो अपने दोस्त की जान तक लेना चाहते थे। राजकुमार चंद्र को इतना पछताते हुए देखकर उन्होंने राजकुमार चंद्र को माफ कर दिया, लेकिन शायद राजकुमार चंद्र ने कभी खुद को माफ नहीं किया और राज्य छोड़कर तपस्या करने चले गए। वहीं दूसरी ओर जब राजकुमार अरुण और अर्जुन अपने राज्य वापस आए तब राजकुमार अजीत पहले जैसे ठीक हो गए थे और उन्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों राजकुमारों ने राजकुमार अजीत को सच्चाई से अवगत कराया। उन्हें ये जानकर बेहद दुख हुआ कि उनके सबसे प्रिय मित्र ने उन्हें गलत समझा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वो अब ठीक है और राजकुमार चंद्र को असलियत अब पता लग गई है और उन्हें इस बात का पछतावा भी है। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा मुझे जाने दो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजकुमार अर्जुन जो इतने शक्तिशाली हैं वो इस तरह रोकर गिड़गिड़ा रहे थे और उनकी जान बख्श देने की विनती कर रहे थे? उसी दिन की सुबह सब कुछ सुखद चल रहा था, लेकिन शायद ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। इतना सुहाना मौसम देखकर राजकुमार अर्जुन का मन बहुत खुश था
और वो अपनी ये खुशी केवल उन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके कारण दूसरों को भी बेहद खुशी और मन की शांति मिले। बहुत देर सोचने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना राजमहल के काल कोठरी में जितने भी कैदी हैं उनको आजाद कर दिया जाए। ये बात उन्होंने दोनों राजकुमारों को भी बताई तो उन्हें भी ये ख्याल अच्छा लगा। बिना कोई समय गवाए राजकुमार अर्जुन काल कोठरी पहुंच गए और सभी कैदियों से कहा, गलती या गुनाह की सजा देना आवश्यक होता है क्योंकि उससे गुनाहगार को उसकी गलती का एहसास होता है, और हमें लगता है कि आप सभी को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी को एक और मौका मिले अपनी जिंदगी खुशी से जीने का, इसलिए हम आपको आजाद करते हैं। ऐसा कहकर राजकुमार अर्जुन ने सभी को आजाद कर दिया। सभी बेहद खुश थे, लेकिन एक था उन सभी कैदियों में जो खुश तो था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे जिंदगी फिर से खुल कर जीने का मौका मिला, लेकिन वो खुश इसलिए था क्योंकि उसे राजकुमार अर्जुन से बदला लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो अब आजाद हो गया था। इस जादूगर को ना जाने कब से इस मौके की तलाश थी और आज राजकुमार ने उसे ये मौका दे दिया। काल कोठरी में भी वो अपने जादू को और भी शक्तिशाली करने में लगा था, यहाँ तक कि उसने सभी कैदियों को अपने वश में कर लिया था। वो इसी तलाश में था कि कैसे वो खुद को और शक्तिशाली करे, और एक दिन उसे ये समझ आ गया कि वो ये कैसे कर सकता है। उसने धीरे धीरे सभी कैदियों के अंदर की जो भी शक्ति थी उसको अपने अंदर समाने लगा। दिन ब दिन कैदी कमजोर होते गए और अब वो सब एक जिंदा लाश हो गए थे। लेकिन कैदियों की क्या हालत थी वो सिर्फ जादूगर को दिखती थी। उसने ऐसा जादू किया था कि बाकियों को सब ठीक ही दिखता था। कैद से आजाद होने के बाद उसने सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया और जो जादू उसने उन पर किया था वो अब तोड़ दिया। अब जादूगर ने सभी को आदेश दिया कि वो अब राजकुमार अर्जुन को ढूंढ कर हमला करे। इन सब से अनजान राजकुमार अर्जुन झील के किनारे बैठे हुए थे, तभी उन्हें उनके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो पीछे मुड़े तो उनके पैरों से जमीन फिसल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जादूगर के गुलाम उन पे हमला करते रहे। वो अनगिनत थे। वो जैसे ही एक पर हमला करते, पांच और आकर खड़े हो जाते थे और जिसे मार कर गिरा देते थे, और जिसे मार कर गिरा देते थे वो फिर से खड़े हो जाते थे। वो जब इन सब से लड़ ही रहे थे तभी जादूगर चुपके से आकर राजकुमार को देख रहा था और राजकुमार के सबसे कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। अब वो समय आ गया था। राजकुमार को उन सब ने घेर लिया था। वो एकदम असहाय हो गए थे। अब जादूगर सामने आता है और राजकुमार की शक्ति को भी पाने के लिए वो उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे जाने दो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी माफी चाहिए भी किसे, मुझे तो बस तुम्हारी शक्तियां चाहिए। ये सब होते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और राजमहल जाकर दोनों राजकुमारों को बता देता है। वो दोनों तुरंत ही वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक राजकुमार अर्जुन की पूरी शक्ति उस जादूगर के अंदर समा गई होती है। अब बस थोड़ी सी ही शक्ति बची होती है। दुष्ट जादूगर, छोड़ दे मेरे भाई को। ऐसा कहकर राजकुमार अजीत और अर्जुन दोनों जादूगर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके पहले कि दोनों राजकुमार जादूगर को मार पाए उनके आगे उन जिंदा लाश लोगों की फौज आ जाती है जो जादूगर के गुलाम थे।
राजकुमार अजीत और अरुण उनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही जादूगर तक पहुंचना होगा, वरना राजकुमार अर्जुन भी इन लोगों के ही जैसे हो जाएंगे। एक बार तेरी शक्ति पूरी तरह से मुझ में समा जाए, फिर मैं तेरे दोनों भाइयों का भी यही हाल करूंगा। राजकुमार अर्जुन ये होने नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी उसे लेकर वो उठे और जादूगर के करीब जाने लगे। राजकुमार अर्जुन को इतना करीब आते हुए देख जादूगर डर गया और पीछे जाने लगा। तभी राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि जरूर कोई बात है, इसलिए जादूगर उनसे डर रहा है, वरना मेरी लगभग पूरी शक्ति लेने के बाद ये मुझसे डरता नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने जाकर जादूगर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही राजकुमार अर्जुन की शक्तियां उनमें फिर से वापस आने लगी। छोड़ मुझे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन राजकुमार उससे बिल्कुल भी डरे नहीं और देखते ही देखते उनकी शक्तियां उन्हें वापस मिल गई। राजकुमार जोर से चिल्लाए और कहा, अगर आप सबको अपनी ताकत अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो आकर इस जादूगर को छू लीजिए, आप सबको अपनी जिंदगी फिर से मिल जाएगी। राजकुमार अर्जुन के ऐसा बोलते ही कैदियों ने लड़ना बंद कर दिया और जादूगर के पास आने लगे। मेरे पास मत आ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। जादूगर बोलता ही रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं और धीरे धीरे सबको अपनी जिंदगी वापस मिल गई और जादूगर कमजोर पे कमजोर होता गया। मैं फिर आऊंगा और तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने देंगे। ऐसा कहकर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्तियों को मिलाया और जादूगर पे हमला कर दिया, और इस हमले का जवाब जादूगर दे नहीं पाया। उसे उसके बुरे काम की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक दिन जब अजीत, अरुण और अर्जुन दोपहर का भोजन कर रहे थे, तो अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ मुख्य द्वार पर आया। उसने कहा, राजकुमार, क्या आप लोगों ने खबर सुनी जो पूरे राज्य में फैल रही है? आज भी दो बच्चे लापता हो गए हैं। क्या? अब किसका बच्चा गायब हो गया? महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? आज गोपालदास जी का बेटा और किशनलाल जी का बेटा लापता हो गए हैं। आप ही बताइए महाराज, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? लेकिन ऐसा कब हुआ और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ दिया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता राजकुमार, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और गांव वाले भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है। पिछले दो हफ्तों में बहुत कुछ घटा है। आज सभी राज्य के वासी दरबार में महाराज से मदद की गुहार लगाने आएंगे। ऐसा कहकर वो सिपाही वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी दरबार में सब चिंता में बैठे होते हैं, क्योंकि बच्चों का राज्य से बार बार गायब होना कई हफ्तों से चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे गायब कहां हो रहे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? कोई जानवर है जो बच्चों को खा जाता है या कोई बच्चों को मार देता है? भला बच्चों को मारकर किसी को क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि ये पक्का किसी जानवर का काम है। जो भी है, ये हमें इसका पता लगाना ही होगा। आज सब मिल रहे हैं ना, तब देखते हैं कि बाकी राज्य की प्रजा क्या कहती है इस बारे में। ऐसा कहकर सभी अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि ये मामला है तो है क्या? कोई ऐसा दुश्मन आ गया है गांव का, जो अपनी दुश्मनी बच्चों से निकाल रहा है। शाम हुई
और सभी लोग जाने को तैयार हो गए। जब वो दरबार में पहुंचे तब उन्होंने दोनों बच्चों की माँ को रोते हुए देखा। तभी वहां महाराज आ गए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे राज्य के बच्चे अचानक से गायब हो रहे हैं और अब हमें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। तभी अरुण चुपके से अजीत के कान में कहता है, भैया पिताजी हमें आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तीनों मिलके बच्चों को ढूंढ सकते हैं और जो इसके पीछे है उसे भी अच्छा सबक सिखा सकते हैं। हमारी शक्तियों के आगे आज तक कौन टिक सका है? तभी अजीत अरुण को चुप रहकर महाराज की बात सुनने को बोलता है। महाराज फिर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अब बच्चों को रात तो क्या, दिन में भी आंखों से ओझल ना होने दिया जाए। दिन में और रात में तो उनके माता पिता बच्चों के साथ ही रहेंगे, लेकिन दिन में गांव के कुछ लोग सभी बच्चों के साथ एक जगह रहें, जिससे दिन में भी उन पर नजर रखी जा सके। महाराज सबसे पूछते हैं कि क्या कोई अपनी मर्जी से खुद का नाम देना चाहता है जो बच्चों का दिन में ख्याल रखेगा? किसी के भी कुछ भी कहने से पहले वैद्य जी अपना नाम देते हैं और कहते हैं कि वो ख्याल रखेंगे। तभी दिनेश कहता है कि वो भी वैद्य जी के साथ उन सभी बच्चों पर नजर रखेगा। सब मान जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजीत और अरुण कहते हैं, जब अरुण बच्चों के साथ होगा तब हम जंगल के पास वाली जगह जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया गांव में। तभी अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं भी राज्य में उन बच्चों के माता पिता से मिलकर आऊंगा जिनके बच्चे गायब हो गए हैं, ताकि पता तो चले कि ये बच्चे कौन कौन सी जगह से गायब हुए हैं। ऐसा कहकर सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग ठीक वैसा ही करते हैं जैसा सबने तय किया था। अरुण वैद्य जी और बच्चों के साथ रहता है, वहीं दूसरी ओर अजीत और अर्जुन जंगल के आसपास के बच्चों के लापता होने के रहस्य से संबंधित कुछ सबूत खोजने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करते समय अरुण को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं तो? वो आवाज फिर आती है जोर से, और इस बार अजीत को भी वो आवाज सुनाई देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि एक शेर उन पर गरज रहा है। शेर ने उन पर हमला करने के लिए एक पल भी इंतजार नहीं किया। अजीत उड़ गया और उसने पीछे से शेर पर हमला कर दिया, और इस बीच अर्जुन अदृश्य हो गया और उसने शेर को पकड़ लिया। अजीत उस शेर को आग की लपटों से मारने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने उसे रुकने के लिए कहा और अजीत को समझाया कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक जानवर है और हमें उसे कोई चोट नहीं देनी चाहिए, बल्कि वापस जंगल में ले जाना चाहिए क्योंकि यही वो जगह है जहां उस शेर को होना चाहिए। अजीत मान गया और वो शेर को वापस जंगल में ले गया। क्या आपको लगता है कि बच्चों के लापता होने का कारण शेर था? शायद वो कारण हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ बच्चों का कोई शव नहीं दिखाई दिया और यहाँ तक कि वो शेर भी भूखा ही लग रहा था, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ना केवल भूखा लग रहा था बल्कि वो वास्तव में भूखा था। मैंने सोचा कि आज हम निश्चित रूप से उसके रात का खाना बनने जा रहे हैं। ये कहकर दोनों हंसने लगे। दूसरी तरफ बच्चे घर पर चुपचाप बैठे बेहद सुस्त हो गए। उन्होंने अरुण से पूछा कि क्या वो घर के बाहर खेल सकते हैं। अरुण मान गया और वो सभी बाहर खेलने लगे।
बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तो अरुण उन पर नजर रखे हुए था। बच्चों को देखते देखते उसकी आंख लगने लगी, इसलिए उसने सोचा कि वो जाकर अपना चेहरा धो ले, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। अरुण अंदर गया और अपना चेहरा धोने लगा। जब वो अपना चेहरा धो रहा था तो अचानक उसने एक आदमी के रोने की तेज आवाज सुनी। वो बाहर की ओर भागा ये देखने के लिए कि कौन रो रहा है। एक आदमी अपने बच्चे का नाम सूरज लेते हुए बाहर रो रहा था, क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रहा था। अरुण इतना चौंक गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई बच्चा चंद सेकंड में कैसे लापता हो सकता है। उसने वैद्य जी से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। मुझे नहीं पता, बच्चों ने मुझे बताया कि वो भूखे थे, इसलिए मैं उनके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अंदर गया, और जब मैं वापस आया तो सूरज पहले से ही गायब था। अरुण ने वैद्य जी से कहा कि बच्चों की देखभाल करें, और वो सूरज की तलाश में निकल गया। अरुण उस बच्चे को इधर उधर देखने लगा और अचानक उसने देखा कि अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। अरुण वहां अर्जुन को उठाने गया, लेकिन जब वो अर्जुन के करीब गया तो उसने देखा कि सूरज वहीं बेहोश पड़ा है। उसने पहले अर्जुन को उठाया और उसके चेहरे पर कुछ पानी छिड़का। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें खोलकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहा, सूरज मर गया, उन्होंने सूरज को मार डाला। सूरज को किसने मारा और क्यों? ये सभी लोग कौन थे जो बच्चों को बेरहमी से मार रहे थे? इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।